ब्रा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्वीन मैरी स्कूल में आज फीस जमा करने को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया और ये ऑनलाइन पढ़ाई के खिलाफ भी है। मुंब्रा कौसा में स्कूल की फीस को लेकर पेरेंट्स लगातार स्कूलों के खिलाफ हैं और विरोध कर रहे हैं कि फीस नहीं जमा करेंगे, फीस माफ़ की जाए। मगर वहीं कुछ कुछ स्कूल ऐसे मनमानी कर रहे हैं और पेरेंट्स पर फीस का दबाव बनाया जा रहा है। मोबाइल पर फीस जमा करने के लिए मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। हालांकि अभी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है, मगर इसके बावजूद स्कूलों की मनमानी पर आज क्वीन मैरी स्कूल पर पेरेंट्स इकट्ठा हो गए और फीस न जमा करने को लेकर विरोध करने लगे। इनका गुस्सा ऑनलाइन पढ़ाई के खिलाफ भी था। क्वीन मैरी स्कूल पर जमा हुए पेरेंट्स शहर के नेताओं पर भी अपनी भड़ास निकाली कि बड़े बड़े वादे ये नेता करते हैं मगर स्कूल फीस ये गरीब जनता कैसे जमा करे, इनके समझ में नहीं आ रहा है। पेरेंट्स ने क्या कुछ कहा है सुनिए। एक दिन में 4 से 5 लेसन भेजते हैं, इतना छोटा बच्चा कैसे करेगा। डेली स्कूल में 5 घंटा आता है बच्चा, एक लेक्चर अटेंड करने के लिए कितना टाइम लगता है और एक दिन में ये लोग 5 लेसन लेते हैं, तो बच्चा किस तरीके से पढ़ाई करेगा, कर ही नहीं सकता बच्चा पढ़ाई है इंग्लिश का। और अपना सीनियर केजी का तो इतने सारे ड्राइंग्स वगैरह पीडीएफ फाइल में भेज रहे हैं, तो ये अपने पेरेंट्स ही खुद ड्राइंग बना के वो लोगों को दिया जा रहा है। पेरेंट्स कितना करेंगे, जो जाहिल है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं आता, ये पढ़े लिखे नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपने बच्चों को हाई क्वालिटी की पढ़ाई देना चाहता है, वो लोग किस तरीके से ड्राइंग बना रहे होंगे, वो लोग किस तरीके से पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, वो बताओ आप। तो ऑनलाइन पढ़ाई में होता ये है, हाफ एन आवर का लेक्चर होता है, उसमें भी 10 से 15 मिनट टीचर लॉगिन के लिए लेती है, 5 मिनट ऐसा बैठो वैसा बैठो, ऐसा करो ये करो वो करो, द लेक्चर इज ओवर। लेकिन हम लोग